नमस्कार सी सी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला इसके अंतर्गत आज हम प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी के एक विराट रचनाकार कवि कथाकार संपादक अनुवादक अनेक रूपों में अपनी भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इन पर चर्चा करेंगे अग् जैसा कि हम जानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुआयामी रचनाकार हैं बहुभाषाविद और समाज संस्कृति इनके गहन अध्येता के रूप में वो हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं अग् आधुनिक हिंदी साहित्य की लगभग हर विधा के श्लाका पुरुष माने जाते हैं उन्होंने अपनी सृजन क्षमता मौलिक चिंतन जिज्ञासु प्रवृत्ति और सौंदर्य चेतना इनसे आधुनिक साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है वो जितने सशक्त कवि हैं उतने ही सशक्त कथाकार भी हैं कहानियाँ उपन्यास ये अज्ञे को एक अलग पहचान देने वाली विधाएं हैं अज्ञे ने समीक्षा जगत में आलोचक के रूप में अनुवादक के रूप में पत्रकार के रूप में अनेक प्रकार की भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं अज्ञे का व्यक्तित्व जितना विराट है उतना ही विराट उनका कृतित्व भी है जब हम अज्ञे के जन्म पर दृष्टि डालते हैं, तो सारस्वत गोत्रीय पंजाबी ब्राह्मण श्री हीरानंद के घर 7 मार्च सन 1911 में अज्ञे का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान कुशीनगर में उनका जन्म हुआ इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त किया था हम जानते हैं कि कुशीनगर एक ऐतिहासिक नगर है भारतीय दृष्टि से अज्ञे का वास्तविक और पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है वस्तुतः हिंदी साहित्य में ज्ञे नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि उन्हें इसी नाम से पहचाना जाने लगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कैसे हो गए जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो यह एक सुखद और आश्चर्यजनक संयोग का ही परिणाम है क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़े जाने के कारण जब ये दिल्ली जेल में थे उन्हीं दिनों हिंदी के प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र ने सच्चेदानंद की दो कहानियां जिनमें से एक अमरवल्लरी नाम से भेजी गई थी सरस्वती के संपादक और महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास यह कहकर भेजी थी कि लेखक का नाम बताना संभव नहीं है हंस पत्रिका के लिए भी प्रेमचंद के पास इन कहानियों को इसी दृष्टि से भेजा गया था इसलिए जैनेन्द्र ने उनका नाम अग्गे रख दिया प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में अज्ञे नाम से इन कहानियों का प्रकाशन कर दिया इस तरह सच्चिदानंद हीरानंद के नाम के साथ अज्ञे उपनाम जुड़ गया और आगे चलकर हिंदी जगत में इसी नाम से उनकी ख्याति हुई उनको एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में पहचान भी मिली उनके पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री माता का नाम श्रीमती कांति देवी था अज्ञे के पिता हीरानंद शास्त्री का कार्यक्षेत्र और स्थान लगातार बदलता रहा इसी कारण अज्ञे की शिक्षा दीक्षा किसी एक स्थान पर नहीं हो सकी आरंभिक शिक्षा घर से प्रारंभ हुई और स्कूली शिक्षा की समाप्ति लाहौर में जाकर हुई घर में रहते हुए ही उन्होंने संस्कृत रघुवंश और रामायण की रचनाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखा फारसी मौलवी से शेख सादी की और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की इस तरह अनेक भाषाओं का ज्ञान वह अर्जित करते रहे पुरा ग्रंथों से पुरा आख्यानों से तमाम तरह की ज्ञानवर्धक रचनाओं से वो अपना ज्ञानवर्धन और भाषावर्धन करते रहे सन 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण की 1927 ईस्वी में मद्रास से इंटरमीडिएट भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की उन्नीस में लाहौर फॉरमेन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष एमए अंग्रेजी प्रथम वर्ष में भी प्रवेश लिया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर वह एमए पूरी नहीं कर सके और क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों में स्वतंत्र चेतना से जुड़े हुए घटनाक्रमों में उनकी भूमिका रही सहभागिता रही अनेक बार उन्हें जेल जाने के अवसर भी मिले किंतु उन्होंने साहित्य सृजन की इस परिपाटी को सतत बनाए रखा यूं तो 1927 सौ ईस्वी में जब अग्गे बीएससी में थे तभी उनका सामना उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से सुखदेव से क्रांतिकारी हिंदी के बड़े रचनाकार यशपाल से बहुत घनिष्ठता के साथ हुई फिर उनके साथ उनका एक संबंध भी बन गया किंतु एमए में वह सक्रिय रूप से क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए पंद्रह नवंबर 1930 में जलियांवाला बाग के पास से अग् केवल कृष्ण और देवराज को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया हम देख सकते हैं कि उन्नीस सौ का जो समय है उस वर्ष में इन तीन बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से सात आठ रिवॉल्वर कारतूस आदि भी बरामद किए गए अग्गे को गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में भेज दिया गया यहां उन्हें अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी सहनी पड़ी यहीं पूछताछ के दौरान इन्होंने एसपी जेनकिंस को थप्पड़ भी मार दिया था इस तरह हम देख सकते हैं कि अज्ञे जितने सहज सहृदय रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं उतने ही समर्पित कटिबद्ध राष्ट्रप्रेमी देशभक्त के रूप में भी हमारे सामने आते हैं आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञे को तीन वर्ष की सजा हुई इस मुकदमे से छूटे तो विस्फोट संबंधी मुकदमों में फिर से पांच वर्ष की सजा हो गई इस समय अग्गे दिल्ली की कालकोठरी में बंद रहे यहीं रहकर अग्गे ने छायावाद से लेकर मनोविज्ञान राजनीति अर्थशास्त्र और कानून आदि विषयों का गहन गंभीर अध्ययन किया और साहित्य सृजन भी निरंतर करते रहे जेल में रहते हुए ही उन्होंने चिंता विपथगा जैसी अनेक विलक्षण कहानियां लिखी शेखर एक जीवनी उपन्यास भी लिखा इसी समय पत्र पत्रिकाओं में अग्गे नाम से उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं, जिनकी शुरुआत जैनेन्द्र और प्रेमचंद के माध्यम से हंस पत्रिका के माध्यम से हुई थी वहीं से उन्हें क्रांतिकारी होने के कारण उनके नाम को गुप्त रखते हुए जैनेन्द्र ने जो कहानियां प्रेमचंद के पास भेजी थी वो अज्ञे नाम से हंस पत्रिका में प्रकाशित भी हुई एक संपादक एक अध्यापक एक भाषाविद परामर्शदाता पत्रकार और अनुवादक अनेक रूपों में अज्ञे ने कार्य किया सैनिक पत्र में संपादन कार्य करते हुए 1936 में ही आगरा से यह पत्र प्रकाशित हो रहा था उसके संपादन मंडल में अज्ञे ने एक गंभीर दायित्व निभाया कार्यभार ग्रहण किया विशाल भारत में संपादन कार्य करते हुए भी अज्ञे ने अपनी सारस्वत प्रतिभा का परिचय दिया 1937 ईस्वी में बनारसीदास चतुर्वेदी के आग्रह पर कलकत्ता से निकलने वाले पत्र विशाल भारत के संपादक मंडल में उन्होंने कार्य करना स्वीकार किया बनारसीदास चतुर्वेदी अज्ञे की इस प्रतिभा को उनके भाषा ज्ञान को उनके समसामयिक अद्यतन अधुनातन बोध को जानते थे दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में सन 1940 में अगेन ने कार्य किया जब वो दिल्ली आए तो यहाँ उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में सुपरवाइज़र के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ 1943 की फरवरी तक उन्होंने यहाँ लगभग तीन वर्ष कार्य भी किया तार सप्तक का संपादन अज्ञे की एक विशिष्ट पहचान का द्योतक है तार सप्तक और अज्ञे पर्याय बन गए उन्नीस सौ ईस्वी में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ इसके प्रकाशन के संदर्भ में अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में यह लिखा भी है कि कुछ बंधुओं ने विचार किया कि छोटे छोटे फुटकर संग्रह छापने की बजाय एक संयुक्त संग्रह छापा जाए क्योंकि छोटे छोटे संग्रहों की पहले तो छपाई एक समस्या होती है फिर छपकर भी वो सागर में एक बूंद की तरह खो जाते हैं इस तरह सप्तक की योजना व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित थी सप्तक में निम्नलिखित सात कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया पहले हिंदी के बड़े आधुनिक कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जिन्होंने अंधेरे में ब्रह्म राक्षस कुकुरमुत्ता जैसी अनेक प्रकार की कविताएं लिखी नेमिचंद जैन भारत भूषण अग्रवाल प्रभाकर माचवे गिरिजा कुमार माथुर रामबिलास शर्मा और स्वयं अज्ञे ये सात हिंदी के वो कवि जो उस समय काव्य सृजन में निमग्न थे अपनी कविता के आस्वाद से पाठकों श्रोताओं को उपकृत कर रहे थे उन सबको एकत्रित किया उनकी उत्कृष्ट कविताओं का तार सप्तक में संग्रह किया और इन कवियों को निश्चित रूप से तार सप्तक के प्रकाशित होने पर एक विशेष पहचान बनी और ये सब आगे चलकर बड़े कवियों के रूप में प्रतिष्ठित हुए स्थापित हुए और ख्याति भी प्राप्त की प्रतीक पत्रिका का संपादन अज्ञे ने 1947 में विस्तार देते हुए अपने कार्य को किया था अज्ञे का उद्देश्य था कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में वो अपना निवास स्थान बनाए और प्रतीक नामक त्रैमासिक पत्रिका नियमित रूप से वहीं से निकालना प्रारंभ करें उन्होंने ऐसा किया भी दूसरा सप्तक शीर्षक से फिर से एक सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया तार सप्तक उन्नीस के क्रम में उन्नीस में दूसरा सप्तक प्रकाश में आया इसका संपादन करते हुए इसके विषय में अगेन स्पष्ट लिखा कि दूसरा सप्तक नए हिंदी काव्य को निश्चित रूप से एक कदम और आगे ले जाता है और कृतित्व की दृष्टि से लगभग सुने पड़े आज के हिंदी क्षेत्र में आशा की नई लॉ जगाता है दूसरा सप्तक इस दृष्टि से उस युग के प्रतिष्ठित कवियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह बन जाता है कविता को लेकर संवेदनाओं को लेकर जो एक हताशा और निराशा समाज में व्याप्त थी उसको दूर करने का कार्य इस दूसरा सप्तक ने किया अग्ञे ने उसकी बृहत भूमिका में इस बात को स्पष्ट भी किया कि इस दूसरे सप्तक का संग्रह तैयार करने का उद्देश्य क्या है इस दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र जैसे गांधीवादी रचनाकार जिन्होंने कालजई से बड़ी ख्याति अर्जित की शकुंतला माथुर हरि नारायण व्यास शमशेर बहादुर सिंह नरेश मेहता रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की रचनाएं संकलित की गई ये सब के सब आगे चलकर प्रतिष्ठित कवि ही नहीं समालोचक पत्रकार अनुवादक गद्यकार अनेक रूपों में हमारे सामने उपस्थित हुए आकाशवाणी में अज्ञेय ने नौकरी की उन्नीस से 1955 तक वो भाषा सलाहकार के रूप में आकाशवाणी में यानी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते रहे तीसरा सप्तक का संपादन अज्ञे ने इसी क्रम में सन उन्नीस में जाकर किया और तीसरा सप्तक की भूमिका में अग् ने नई कविता के शिल्प के अंतर्गत भाषा शब्द प्रयोग संप्रेषणीयता की समस्या इन सब पर विस्तार से विचार किया अग्जे एक समीक्षक एक आलोचक भी हैं निबंधकार भी हैं चिंतक और विचारक भी हैं उन्होंने बदलते समय और समाज को देखकर भाषा के बदलते रूप पर बदलते प्रतीकों पर नए बिंबों पर नए उपमानों पर बड़ी गंभीरता के साथ कार्य किया इसीलिए वो कहते हैं कि इन प्रतीकों के देवता कर गए हैं कूट तो चयन जो है शब्द का वो बहुत सटीक बहुत सार्थक होना चाहिए विषय और संदर्भ सापेक्ष होना चाहिए अर्थवत्ता से युक्त होना चाहिए इन सब बिंदुओं पर अज्ञे भाषा के संदर्भ में चिंतन करते हैं संप्रेषणीयता निर्बाध रहे संप्रेषण की समस्या उसकी चुनौतियों पर अज्ञे ने गंभीरता से काम किया है इसमें निम्नलिखित कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मदन वात्स्यायन प्रताप नारायण त्रिपाठी केदारनाथ सिंह विजय देव नारायण साही ये सात फिर से नए और प्रसिद्ध कवि इस संग्रह के अंतर्गत शामिल हुए अनुमान लगा सकते हैं कि अज्ञे की जो दृष्टि है वो न केवल दूरदृष्टि है गहन और गंभीर दृष्टि भी है वो कवि मन को कवि हृदय को पहचानते हैं उसके पारखी बनकर उनको तार सप्तक दूसरा सप्तक तृतीय सप्तक आदि में शामिल भी करते हैं इस तरह एक पत्रकार के पास जो भाषा का एक विराट फलक होता है जो विषय की गहन गंभीर जानकारी होती है समाज का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है उन सब का रचनात्मक उपयोग अज्ञे ने अपनी रचना धर्मिता के साथ किया दिनमान पत्रिका का संपादन उन्होंने 1964 में किया टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रबंधक के अनुरोध पर इस दायित्व को इस गंभीर चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और दिनमान पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के कार्य का निष्पादन किया टाइम्स पत्रिका की तरह कला संस्कृति राजनीति साहित्य विज्ञान क्रीड़ा आदि राष्ट्रीय गतिविधियों का उचित प्रतिनिधित्व भी अज्ञे की तमाम रचनाओं के माध्यम से होता रहा चाहे वो संपादित थे या मौलिक थे। जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन भी किया अज्ञे ने जोधपुर विश्वविद्यालय में एक तुलनात्मक साहित्य का केंद्रीय विषय तैयार करते हुए उसे अध्ययन अध्यापन के लिए प्रस्तुत किया एक नए दिशा और आयाम के साथ स्थापित किया और वर्ष उन्नीस में उन्होंने वहाँ से भी त्यागपत्र दे दिया इस तरह हम देख सकते हैं कि अग्ञे एक बहुआयामी बहुदिशागामी बहुभाषाविद और बहुसंवेदनात्मक धरातल से संपन्न रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं मित्रों इस विषय को यहाँ विराम देते हैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार